अगले कॉलर हमारे साथ राजू है इंदौर से, पूछिए राजू। सर करंट भाव पे 77.40 रुपए में जिंक मैंने बेचा हुआ है, तो इसके लिए टारगेट क्या लगाऊं और स्टॉप लॉस क्या लगाऊं इंट्राडे के हिसाब से बताइएगा। और 40,449,440 के भाव पे चांदी बाय करी है तो वो मुझे शाम तक कहाँ मिल जाएगी बताएं। जिंक और चांदी के ऊपर बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए प्रियांक, जो इन्होंने पोजीशन ली है? देखिए जिंक में अभी करंट लेवल से जो सेल किया है रिस्क रिवॉर्ड अभी उनके फेवर में नहीं है, ऑलरेडी 7 रुपीज़ डाउन है। स्टॉप लॉस आज का डे हाई आएगा और ऑन द लोअर साइड 176-174 के टारगेट्स रहेंगे। सिल्वर में उन्होंने मेरे हिसाब से एक बार 40,300 का ऑन द हायर साइड एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर सेल की पोजीशन है तो, एंड ऑन द लोअर साइड एक बार 39,38,800 के टारगेट्स रहेंगे। और चांदी पर क्या करना चाहिए चांदी में आज? चांदी में 40,200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में रह सकते हैं एंड ऑन द लोअर साइड 39,000-38,800 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, निमिषा है आप अगले कॉलर, पूछिए निमिषा, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गोपी है हनुमानगढ़ से, पूछिए गोपी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर गोल्ड पे पूछना है, एक्सपायरिंग डेट से पहले क्या 28,100 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं? 28,100 के सौ तक के रेट क्या देखने को मिलेंगे गोल्ड के, क्या लगता है आपको अमित एक्सपायरी से पहले? देखिए फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 27,500 से 27,600 के रेंज में काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंसेज हैं गोल्ड को, और ये पॉसिबल है कि एक बार 26,700 से 26,600 तक ज़रूर स्लिप हो जाए, तो फिलहाल तो रुक नीचे का ही है तो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है ऊपर दिखना है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ रवि शर्मा हैं अकोला से और इनका सवाल सोयाबीन के ऊपर है, पूछिए रवि। हाँ सर, मेरा सवाल सोयाबीन पर था कि अभी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन क्या करे सर, बेचे या इसको बाय करे? ठीक है, सोयाबीन में अभी खरीदना बेहतर रहेगा या बिकवाली करना, क्या सलाह है आपकी अमित? देखिए फ्रॉम क्योंकि इनका एक आउटलुक पोजिशनल है तो मैं एक्चुअली सेल ऑन रैलीज की सलाह दूंगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ से 100-125 रुपए की एक रैली आए, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक ये 3,250 से 3,300 के नीचे है तब तक जो भी रैलीज आ रही है इसके 3,300 के ऊपर स्टॉप लेके बेचा जा सकता है। आगे चलते हुए फेब तक हमें 2,800 तक के भाव दिख सकते हैं इसमें, तो सेल ऑन रैलीज प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी। आप कह रहे हैं 2,800 तक का स्तर सोयाबीन में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए, यानी गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है, फिलहाल 3,000 के ऊपर है भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की, मसालों की, स्पेशली अगर आज टर्मरिक और जीरे की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है आज, क्या इन दोनों काउंटर में अभी और गिरावट आपको बाकी दिख रही है अमित? जी हाँ, इन दोनों काउंटर्स में बाकी दिख रही है गिरावट, खास करके अगर हम टर्मरिक की बात करें तो अभी भी नीचे में करीबन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 6,600-6,650 की जोन आ सकती है, जो यहाँ से करीबन और 3% की गिरावट हो सकती है, तो मैं फिलहाल मंदी की सलाह दूंगा। सेलोन रैलीज होगा, 7,100 एक अच्छा पोजिशनल रेजिस्टेंस है अपसाइड में। जहाँ तक जीरा का सवाल है, हो सकता है यहाँ से करीबन और 600 से 800 रुपये की और गिरावट गहरा सकती है, तो दोनों मसालों में मैं सेल की सलाह दूंगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पवन हैं चंदौसी से, पूछिए पवन। भाई साहब मेहनता भाई पड़ी है मेरी जो है 1,015 रुपए की 2 लॉट पड़ी है, मैं क्या करूं जो है साहब, ऊपर में क्या मिल जाएगा मुझे और नीचे का क्या है सर लगा दूं जो है? 1,015 पे आपने बाई किया है, मार्केट फिलहाल ऊपर है, क्या सलाह है आपकी अमित इनके लिए? मेरे हिसाब से जैसे मैं पहले भी बताया 1,010 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो काफ़ी नज़दीकी सपोर्ट है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 995 की जोन में आ रहा है, तो 994-993 की रीजन में एक स्टॉप लगाया जा सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो 1,040 से 1,045 होगा, बट थोड़ा लंबे समय देखें तो 1,080 तक इन्हें मिल सकता है मीडियम टर्म के हिसाब से। 995 का स्टॉप रख के होल्ड कीजिए आज के लिए। प्रियांक आपका व्यू नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा, एनजी में क्या करना चाहिए अगले 6 घंटे के लिए?
देखिए नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एक गिरावट देख रहे हैं लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से. मुझे लगता है कि और भी ये कंटिन्यू होगी, 220 से 215 के रेंजेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी क्या अगले 10 दिनों में नेचुरल गैस के भाव आ सकते हैं. तो जो भी पुल बैक आती है अराउंड 232 के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी. 238 क्लोजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑन द लोअर साइड 220-215 के रेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का. अमित आपकी पहली कॉल क्या होगी? कॉपर सेल किया जा सकता है 382.50 पे, स्टॉप लॉस होगा 386 का और टारगेट होगा 376 का. प्रियांक आपकी कॉल. क्रूड ऑयल में रहेगी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 3640 के आसपास सेल किया जा सकता है. 3680 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 3550 के टारगेट्स रहेंगे. आपकी आखिरी कॉल अमित. जी लेड मुझे वीक लग रहा है, 149.5 पे बेच सकते हैं, 151.50 का स्टॉप और 146.50 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा. ओके बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और प्रियांक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है.